बीच में 5 आदमियों और 5 औरतों को उतार दिया है। जो भी ग्रुप सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $5,00,000। जो सर्वाइव कर पाएगा उसको $5,00,000 मिलेगा। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। वो पैसे हमारे हैं। जंगल का ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा तुम्हारा है, और आप अपनी साइड्स क्रॉस नहीं कर सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। मेन और वुमेन, देखते हैं कौन जीतता है। ये लड़कियाँ हमें हरा नहीं सकती। वो 5 मर्द नहीं है। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? हम अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सर्वाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। ओ, ये स्ट्रॉबेरीज है क्या? यहाँ जो भी है वो सब हमारा खाना है। मुझे हमारा शेल्टर नजर आ रहा है। हम पहुँच गए। ये होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। और मीलों दूर दूसरी ओर लड़कियों ने अपने कैंप के लिए जगह ढूंढ ली। यहाँ पानी काफी गंदा लग रहा है। उम्मीद है कि हम टीम को जिताने के लिए लोगों को घर भेजना शुरू कर दे। ये राशन 2 से ज्यादा लोगों के लिए तो नहीं है। हाँ। तो हमने टीम के रूप में तय किया कि अब मुझे घर जाना होगा। मैं हैना यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें चुपचाप जंगल से बाहर निकाल देंगे बिना बॉयज को पता चले। चलो इसके लिए इस मॉन्स्टर ट्रक को ले जाते हैं। हम पहले एलिमिनेशन के लिए उनके कैंप पर पहुंचने वाले हैं। मेरा यहाँ से जाना हमारी स्ट्रेटेजी है। अच्छा किया, बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना होगा। चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। तुमने बहुत अच्छा किया। अगर लड़कियाँ जीतती हैं तो तुम सबसे समझदार हो। तुम बाहर हो लेकिन फिर भी तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। ये लड़की बाहर होने के बावजूद भी $1,00,000 पाएगा भाई। कई लोगों ने कहा, देखो मैं बस चली जाती। हैना खुद को लकी मान सकती है क्योंकि अगले 2 दिनों में तेज बारिशों ने दोनों टीमों को उनके शेल्टर में रहने और सिर्फ उनके राशनों पर डिपेंड करने के लिए मजबूर कर दिया। हम इस खाने पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो 10वें दिन में मैंने एक ट्विस्ट देने का फैसला किया। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं अभी चैलेंज का वक्त है। लेकिन इसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए इस वीडियो में हर 10 दिन में लड़के और लड़कियां एक दूसरे का सामना करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत हम लड़कियों से करेंगे। हाय, आज डे 10 है। क्या लगता है इसका क्या मतलब है? तुम हमें कोई गुड न्यूज देने वाले हो शायद। लेकिन लड़कों को अभी भी मछलियाँ पकड़नी पड़ी। लेट्स गो बेबी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ भाई, इतनी बड़ी मछली छूट गया भाई। क्योंकि राशन तेजी से कम हो रहा था, लड़कों की टीम काफी निराश होने लगी थी। भाई कैम, तुम्हारे यहाँ होने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं सुस्त लग रहा हूँ, लेकिन ये सब स्ट्रेसफुल है। मेरे पास और एनर्जी नहीं है।